हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ऑसम ब्लॉसम होंगे। अपने अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पे आपको मामा आंटी और दादी हेलो कर रहे हैं। और इस चुलबुली को तो आप जानते ही होंगे, ये है हमारी मुन्नू। अमरूद खाने में मस्त है और हाथ में देखो मेहंदी कैसे लगा रखी है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही है अभी। ये देखो इतने तेज होते हैं हमारे पहाड़ों के बच्चे, कैसे इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से चढ़ के दौड़ गई हो। हम लोग अभी खेत जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने, मम्मी मैं और डोरा है। लकड़ियाँ तो नहीं, एक जो दूसरी लड़की एक जो लकड़ी होती है ना, मतलब उसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, मतलब स्टार्टिंग में चूल्हा जलाने के लिए वो होती है। नाम पता नहीं उसका क्या है, क्या क्यों हम भी आपके पीछे आ रहे हैं। मुनु और मैं साथ लेके आए अमरूद और हमने मेहंदी लगाई। मुनु दिखा दो अपनी मेहंदी। वाओ, अरे नहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, आप नहीं गिरोगे। खाने पर कम ध्यान रखो, चलने पर ध्यान रखो, तब नहीं गिरोगे। ठीक है, आंखों देखो मेरा सर। हाँ, किसने बोला था चप्पल लगा के आओ? हाँ, जूते नहीं है। अरे पीछे देखो। अच्छा मेरे को ये ज्ञान दे रही है। और जो ये आपको दिख रही है ना, ये होता है घास, मतलब विंटर के लिए जैसे घास कट करके रख देते इस तरह से पेड़ में, जिस तरह से वो खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है, और सर्दियों के लिए रखा होता है स्टोर करके गाय के लिए। चाहे कहीं घूमने की बात हो या पढ़ने की बात हो, कोई भी बात हो ना, मेरे को ना बिना खाने के किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तो मुन्नू और मैं ना घर से जेब में भर भर के अमरूद लेके आए हैं, क्योंकि हम मम्मी ने बोला कि चलो मैं खेत जा रही हूँ तो मेरे साथ तुम चलो। तो हमने सबसे पहले पेड़ गए, पेड़ से अमरूद तोड़ के लाए, क्योंकि बिना खाने के मजा ही नहीं आता कहीं जाने का यार। और ये भर ली मम्मी ने छोटी छोटी सी, सर्वाइकल भी है, हाथ में दर्द भी होता है, गर्दन में भी, फिर भी ये काम करना ही है। वैसे ना घर वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं कि तुम काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, पूरे दिन भर फोन चलाते रहते हो, और जब काम करने की बारी आती है ना, अभी मैं कह रही थी मम्मी को कि आपको सर्वाइकल है तो मैं तोड़ देती हूँ। नहीं, तुमसे नहीं होगा, कैसे ऐसे, तेरे को नहीं आएगा, तू ऐसा कर देगी, वो कर देगी, मतलब आगे पीछे पता नहीं क्यों बोलते रहते कि काम नहीं करते, काम नहीं करते। जब आती है बारी तब हम कहते, तब नहीं, मना, साफ साफ मना। ए भाई साहब, क्या बोला अभी? मुनु क्या ढूंढ रही है? शंतु। तो शंतु जो है ना, क्या होते है, क्या होते है मुनु शंतु? तो सिर्फ ऐसे ही ढूंढ रहे हो शंतु। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये काफी पुराना है। तो करना क्या कर रही थी? करना यार, करना। ये बता भी क्या कर रही थी? ये भी कर रही थी ना ऐसे कवर को पकड़ के, तो हेलो गाइस आज हम आए खेत। फिर से करो, फिर से करो। नहीं बनाऊंगी वीडियो, नहीं बनाऊंगी वीडियो, वीडियो नहीं बनानी है। हाँ, पता है मेरे को। क्या पता है? ये देखो एक पूरे खेत के चक्कर लगा रही है, देख रही है कहीं से कुछ घटा बड़ा तो नहीं है। और सेब के बगीचों में ना अब आना इतना अजीब लगता है, क्योंकि बिल्कुल सूखा सूखा सा पतझड़ से, और जब इसमें एप्पल होते हैं तब ऐसा लगता है कि हम खेतों में ही पड़े रहे। और वहाँ ऊपर है हमारे घर, यहाँ से दूर लग रहा है, आप देखो बिल्कुल नजदीक है, थोड़ा ही नीचे आए हम। तो ये भी है वो घास की टोली। मुन्नु क्यों होती है ये? देखो मुन्नु बताइए, मुन्नू क्यों होती है? सर्दी। किसके लिए? गाय के लिए। खाती है आपकी गाय सूखा घास? खाती है हरा सूखा? भी सूखा भी, हरा भी सूखा भी। वाओ, क्या नाम है आपकी गाय का? चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो। तो ये निकला हमारे इधर रास्ता, क्योंकि ये वाली हमारा जो खेत है बिल्कुल, ये देखो आप नाले में ही है, और यहाँ को कोई भी अच्छा सा रास्ता नहीं था आने को, तो अभी ये निकल रहा है रास्ता। और ये देखो हमारे सेब के पेड़ बेचारे साइड में ही होंगे, खेत से ही साइड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मुन्नू ना मेरे को कुछ दिखाने लेके जा रही है, इसकी बिल्ली मिनी, जो आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग में देखा ही होगा मिनी को, उसको ना डोरा को बिल्ली दिख गई। और मुन्नू ना भी मेरे को दिखाने लेके जा रही है इसकी बिल्ली, जो आपने मेरी व्लॉग में देखा होगा मिनी, उसको ना हमारी इधर एक काली बिल्ली है, उस बिल्ली ने खा लिया, मतलब ये बिल्ली हो के इसने बिल्ली को ही खा लिया। मैं मुन्नू मेरे को स्पॉट के पास लेके जा रही है, कहाँ पे मिनी को खाया, बोलते ऐसे खाया वैसे खाया।
और सच में यार ये ना मिनी के चक्कर में ऊपर से घर से अकेले यहाँ नाले तक आई कि मिनी कहाँ गई। बहुत ब्रेव है वैसे ये। मम्मी की उल्टा साथ लेके आते यहीं से निकल जाते हैं, सीधा रास्ता तो बन गया है अब। हाँ है मम्मी, यहीं से निकलते हैं। आया है वो, कौन आया, डरती नहीं है। और ये देखो हमारा अखरोट का पेड़ कितना बड़ा हो गया, हमने इस बार इसमें इससे अखरोट ही नहीं तोड़े क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं था। अच्छा हो गया ऐसे अगर, क्योंकि अखरोट जो है ना गिराने होते हैं जिनको झाड़ना होता है पेड़ से, तो झाड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब अच्छा हो गया खुला खुला रास्ते निकलने की वजह से अगली बार से अब हम झाड़ेंगे। डोरा नहीं, हाँ देखो ठहरो यहाँ देखो, इसमें बीच में गन्ना है दिख नहीं रहा है झाड़ने की वजह से, अब मुझे वो चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं निकालूं कैसे। इधर देखो ये झाड़ियाँ, और झाड़ियाँ तो झाड़ियाँ, ये देखो बिच्छू बूटी, घुसू तो घुसू कैसे, कैसे घुसे, कैसे घुसे, कैसे घुसे, ये देखो कितना बड़ा निकाला मैंने। बहुत पतला सा है लेकिन ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है। इसे गन्ना ही नहीं खाया आज तक, कैसा है चबा इसको। हाँ बड़ा वाइट ले हाथ में, देखो मेहंदी चबा चबा चबा, कैसा है, थूकना है फिर मुंह में, नहीं अंदर नहीं घुटना है, कैसा है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको काट लेती हूँ पहले, देखो दराटी से, दादी दराटी लेकर आए थे। और ये देखो बड़ी दादी उठा रहे हैं सब्जी, हरी सब्जी, जो कि कोई नॉलेज वाला बंदा ही उठा सकता है, जिसको अब पता होना चाहिए कौन सा घास है और कौन सा सब्जी है। अभी ना मेरे को गन्ने खा खा के इधर इधर दर्द हो रही है, तो मतलब अभी सोचती हूँ ना यार कैसे, मतलब हमारा बचपन जब था तब ना ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, पर घर वाले खाने नहीं देते थे, कहते थे ये ठंडा होता है तुम बीमार हो जाओगे। अब जब बड़े हो गए अब घर वाले भी मना नहीं करते, लेकिन खुद का ही मन नहीं करता, मन भी करता लेकिन अंदर से वो आता है ना कि यार अब कौन जाएगा और कौन लेके आएगा, कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चलता है यार। बैठने का स्टाइल देखो यार।